गुजरात चुनाव में फर्स्ट फेज वोटिंग पूरी, पहले चरण की 89 सीट्स पर कितना प्रतिशत हुआ मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव के सुपर हॉट मुकाबले में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। यहां पहले चरण की 89 सीटों के लिए वोट डाले गए। पहले चरण के मतदान में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग से पहले तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि गुजरात में मतदाताओं का जोश देखने को मिलेगा और बंपर वोटिंग भी होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और इन 89 सीटों पर मतदान का आंकड़ा 60% से ज्यादा रहा। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने लायक बात यह रही कि पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों में सबसे ज्यादा 72% वोटिंग तापी जिले में हुई, जबकि सबसे ज्यादा वोट निजार विधानसभा सीट पर पड़े। यहां पर लगभग 80% के आसपास मतदान हुआ। वहीं सबसे कम वोट गांधीधाम सीट पर पड़े, यहां महज 41% के आसपास ही वोटिंग हुई। पहले चरण में जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें जामनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली, कच्छ, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, डांगसी, नवसारी, मोरबी, राजकोट, नर्मदा, द्वारका, वलसाड़, जूनागढ़, बोटाद, भरूच, तापी, सूरत और भावनगर शामिल हैं। इसे अगर क्षेत्रवार ढंग से समझा जाए तो दक्षिण गुजरात की 35 सीटों, कच्छ की 6 सीटों, जबकि सौराष्ट्र की 48 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 89 सीटों पर कुल 788 चुनावी सूरमा मैदान में हैं, जिनकी किस्मत बैलेट मशीन में कैद हो चुकी है। इन उम्मीदवारों में 70 महिलाएं और 339 निर्दलीय हैं। 89 सीटों में से 14 अनुसूचित जनजाति, जबकि 7 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। गुजरात में एक और पहले चरण का मतदान चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के अन्य इलाकों में और गुजरात के बाहर भी राजनीतिक दलों की खूब सक्रियता देखी गई। जयपुर में मौजूद रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान देते हुए कहा कि गुजरात चुनाव बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। प्रदेश में पीएम मोदी के प्रति अपार प्रेम है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में विकास के काम किए हैं। हमने आज के मतदान में सकारात्मक परिणाम देखे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करती रही। कांग्रेस संकट के समय जनता के साथ खड़ी नहीं रह सकती। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती रहती है। अहमदाबाद में एक रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जितनी बार गुजरात में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द का उपयोग किया उतनी बार जनता ने बैलेट बॉक्स में जवाब दिया है। इस बार भी मोदी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। पीएम मोदी ने कलोल में एक जनसभा की। मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात का बेटा हूं और गुजरात से मुझे जो ताकत मिली है उससे कांग्रेस ही परेशान है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने कहा कि कतारगाम में जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में तीनों दलों की सियासी धड़कनें तेज हैं। यहां अब दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को करवाया जाएगा, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।